मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं, जहां टिकटों के बंटवारे बगावत तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है तो वहीं इंडिया गठबंधन की तकरार भी अब टिकट तक पहुंच गई है। यह टिकट बंटवारे का संग्राम है। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर किसी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। हंगामा बढ़ा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस बैकफुट पर आई, चार उम्मीदवारों के नाम बदलने पड़े। और जब टिकटों को लेके कोलाहल मचा और लोग पहुंचे कमलनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए है, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। भले ही शिवराज कांग्रेस पर तंज कसे, लेकिन हालत उनकी भी पार्टी के कुछ जुदा नहीं है। बगावत आर पार के संग्राम में तब्दील होती जा रही है। जहां पांचवी लिस्ट में बीजेपी ने 29 मौजूदा विधायक और 3 मंत्रियों का पत्ता काटा है, जिसका शोर अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर सुनाई दे रहा है। लास्ट मोमेंट में कुछ षड्यंत्र करके बड़े नेता के द्वारा, मुझे लगता है ये तो दुश्मनी निकाल कर ऐसा काम किया, तो इसलिए। और मुझे 2018 में कोई पार्टी ने नहीं जिताया था, मुझे तो जनता ने जिताया था, पार्टी से हटके जिताया था। मध्य प्रदेश की यह जंग सीधा 2024 के चुनाव पर असर डालने वाली है। जिस इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने का सपना देख रहा है, उस इंडिया गठबंधन की खींचतान मध्य प्रदेश में दंगल में तब्दील हो चुकी है। पहले समाजवादी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी और अब जेडीयू ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसलिए हमारा स्थानीय यूनिट ने फैसला लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहमति दिया, संगठन विस्तार में तो हमारा अधिकार है। और जब हम एनडीए में भी थे तो भाजपा के खिलाफ मणिपुर में चुनाव लड़े और हमारे विधायकों को तोड़ लिया, तो देखिए राजनीतिक श्राप क्या पड़ा है उसको। उम्मीदवारों की घोषणा की है, ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री कहते कुछ है करते कुछ है। जिस मुहिम को उन्होंने खुद शुरू किया, उस मुहिम को ये स्वयं ही समाप्त करने का प्रयास कर। जिस इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में पहली साझा रैली करने की बात कही गई थी, उसी मध्य प्रदेश में गठबंधन की दरारें गहरी होती दिख रही हैं, जिसमें जेडीयू की एंट्री ने चुनौतियों को और पेचीदा बना दिया है। क्योंकि अखिलेश के हमलों के बाद कांग्रेस के नेता भी स्वीकार रहे हैं कि सीटों के बंटवारे की बात हुई थी, लेकिन बाद में खेल बदल गया। लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए, तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। साफ है कि विपक्ष के दल भी आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को आजमा लेना चाहते हैं। जिस 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों से मजबूत है। ऐसे में वो सीटें साझा करने के मूड में नजर नहीं आ रही और कांग्रेस यही बात सहयोगी दलों को हजम नहीं हो रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।